हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कमबैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो मैं इन सब जगह अपडेट करता रहता हूं। और आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूं, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है, बात कर लेते हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? निशान। ओके, कौन सा डे है आज आपको? सेकंड है। इससे पहले कोई कार ट्राई करी आपने? नहीं। ओके, तो दोस्त आज इनका सेकंड डे है और हम लोग आगे से लेफ्ट जाएंगे, राइट तो कॉल का, क्योंकि इधर अंकल जा रहे हैं। हाँ, सिग्नल भी ऊपर जाने लेफ्ट चलना है, यहाँ से लेफ्ट, ब्रेक पे पैर, एक्सीलेटर, ठीक है। सारा गेम अंगूठे का है। अभी राइट वाला देखो, फिर उंगलियों से अंगूठा रखो ना मेरे भाई, अंगूठा। एक्सीलेटर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सीलेटर की। ब्रेक पे तो आपका आ रहा है, हाँ ठीक है। अंगूठे से क्या होगा, टच फील आएगा, फिंगर फैल जाती है जब आप उसको करते हो। अभी जाने दो धीरे से। हाँ, अभी कौन से गियर में गाड़ी है आपकी? दूसरे गियर की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 30 और मिनिमम? मिनिमम 20। ओके, अभी जैसे सपोज करो गाड़ी आपको लेफ्ट में रोकना है, तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट का सिग्नल दो और लेफ्ट वाली लाइन चेक करो। ये अभी पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेना है, फुल क्लच दबाओ। एक मिनट, गेट के आगे दो क्लच दबा के ब्रेक ले लिया। हाँ। अभी इसको न्यूट्रल करो, बस अभी क्लच ब्रेक को रिलीज कर दो। अभी गाड़ी आपकी गियर से हट चुकी है, अब वापस बढ़ाने के लिए पहले आप राइट का सिग्नल देंगे नीचे को। अभी पूरा क्लच दबाएंगे। हाँ, दबा दिया। हाँ, गियर डालो। अभी आपको धीरे, अभी एक्सीलेटर पे क्यों गए, यही तो आप गलती करते हैं माय डियर। फर्स्ट और सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर गाड़ी बढ़ जाती है, एक्सीलेटर लेने की नीड नहीं होती है। अभी क्लच को सिर्फ रिलीज करना है आपको, पूरा नहीं, 20-30%, बस इससे ज़्यादा नहीं। वेट, अब राइट काटो, स्टीयरिंग राइट काटो और हाँ बस, लेफ्ट आ जाओ, हल्का सा लेफ्ट टर्न करो। एक्सीलेटर की नीड तब होती है जब हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत हो स्पीड की। अभी आपको रोक रोक कर बढ़ाना है, सीखना है, तो वहाँ एक्सीलेटर की नीड नहीं है। अभी आप स्पीड मेंटेन करो, चलो। और देखो निशान भाई, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, अंगूठे से टच फील करना है। बार बार आपका अंगूठा साइड हो जा रहा है, तभी आपको इसका पैंडल का अंदाज़ा आ पाएगा, टच फील आ पाएगा। अभी देखो सामने स्पीड ब्रेकर है और गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में है, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रेक पे पैर लिया हुआ, हाँ ब्रेक पे भाई, हाँ जाओ, चलो निकालो। अभी आपके अंदर थोड़ी सी, एक छोटी सी कमी ये है ना कि आप एक्सेलेटर पर जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं भागना है, ठीक है। एक्सेलेटर ना के बराबर बढ़ाओ स्पीड और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, राइट वाला लैग, ब्रेक पे क्लच दबा के सेकंड गियर। हाँ चलो, देखो ताकत किस में लगानी होती है, क्लच में, ना कि गियर में, ना कि स्टीयरिंग पे। सबसे ज़्यादा ताकत लगानी है आपको क्लच में। अगर आप क्लच 100% दबाते हो तो गियर इतना मक्खन जैसा लगेगा। अगर गियर टाइट लग रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने पूरे तरीके से क्लच को नहीं दबाया है। तो इसलिए जब भी गियर चेंज करो तो पहली प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, 100% क्लच दबा होना चाहिए। बिना क्लच के आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, जैसे गाड़ी को हल्का फुल्का डाउन करना है, रोकना नहीं है, सिर्फ डाउन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया, थोड़ा सा ब्रेक दबाओगे गाड़ी स्लो हो जाएगी, फिर ब्रेक को रिलीज़ करोगे तो गाड़ी अपने आप गियर में एक्टिव स्पीड पकड़ लेगी। जैसे कई बार क्या होता, हमने जैसे अभी ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा क्लच मत लेना, खाली ब्रेक लगाओ, हाँ लगाओ, और अभी स्पीड क्या आ गई, 10 से नीचे आ गई, ठीक है। अभी ब्रेक छोड़ो, पैर ब्रेक पे रखो, जो ब्रेक दबाया था उसको छोड़ो, पैंडल से पैर नहीं हटाना है, ठीक है। अभी गाड़ी की कंडीशन क्या है, मेंटेन है स्पीड, स्पीड मेंटेन हो गई, हाँ। है ना, तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको ब्रेक लगा के ब्रेक को छोड़ेंगे, पैर ब्रेक पे रखेंगे, गाड़ी आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है। यहाँ से हमें राइट जाना है, अभी ये लेफ्ट का सिग्नल दिया आपने, राइट वाले मिरर को चेक करो, टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना कंपलसरी, अभी नहीं काटना है, अभी नहीं,
लेफ्ट आओ हल्का, अब राइट काटो, अभी जिस राइट काटो, चलो जाओ स्टीयरिंग काटो, अभी देखो वापस लेफ्ट आओ। अभी गड़बड़ आप क्या कर रहे थे, जब आपको काटना था तो उससे पहले आपने काट दिया था, काटा था नहीं काटा था, क्योंकि जहाँ बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट इसका बोनेट आगे निकला है, तो इसको कौन जजमेंट करेगा, ये भी तो आपको ही करना है। 4.5 फीट पीछे जब राइट वाला मिरर पूरा आपको क्रॉस कर जाए उस पॉइंट को जहाँ जहाँ से भी आपको टर्न करना है, उसके बाद ही लाइन चेंज करनी है आपको, ठीक है। स्पीड बढ़ा लो, अभी सेकंड गियर में 22-30 चल सकते हैं, मैक्सिमम 30 तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। 30 अगर अबव हो रहे हो तो वहाँ पे फिर गियर भी चेंज करना पड़ेगा, अगर 30 माइनस ही हो तो आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नज़र आपकी लेफ्ट वाले और राइट वाले मिरर पे भी जानी चाहिए, अभी स्पीड कम रखो, सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर को, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे, प्रॉपर ब्रेक पे, ब्रेक पे रखने की आदत डाल लीजिए आप, क्योंकि अभी क्या है ना, आप स्कूटी वगैरह चलाते हो तो आदत है स्कूटी की, कि स्कूटी में अगर एक्सेलेटर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आराम से। हाँ जाने दो धीरे धीरे, हाँ जब भी किसी को ओवरटेक करोगे, चाहे बाइक चाहे साइकिल वाला, उसको एक बार हॉर्न जरूर दोगे, अभी ब्रेक पे पैर रखो, क्योंकि यहाँ खड्डे बहुत हैं और आपकी एड़ी थोड़ी उधर एक्सीलेटर की तरफ फिर चली गई है। हाँ ये चीज़ आपको, यही टिप्स है जो आपने सुना होगा, 10 साल से गाड़ी चला रहे थे, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, तो उनका पैर हमेशा एक्सीलेटर के सेंटर में रहता है, जिसकी वजह से ज़रूरत होती है ब्रेक की और दबाते हुए एक्सीलेटर है, बाय मिस्टेक होता है ये। और अगर आप अपने पैर को ब्रेक के सेंटर में रख के एक्सीलेटर की तरफ एड़ी की बजाय पंजा ले जाएंगे तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी, जो एक्सीलेटर बाय मिस्टेक दब जाता है। अभी यहाँ से हमें राइट जाना है, तो राइट का आप सिग्नल दीजिए और राइट वाला पैर ब्रेक पे प्रॉपर, टर्निंग से पहले आपका पैर आ जाए और जब गाड़ी टर्न होकर वापस सीधी हो जाए, फिर अगर आपको लगे कि हाँ नीड है एक्सीलेटर की, तो फिर अभी देखो क्या किया आपने, आपने क्लच ही नहीं दबाया माय डियर। अब इसको पहले गियर में करो, आपने खाली ब्रेक दबाया, आपको मैंने अभी क्या कहा था, जब गाड़ी प्रॉपर रुकनी होती तो पहले क्लच दबाना होता है फिर ब्रेक, चलो छोड़ो अभी आप ढलान पे हो, पहले क्लच को रिलीज करो, जाओ लेफ्ट वाला जो आपका पैर है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो दोस्त, चलो कोई नहीं, बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, जाओ और एक्सेलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, हाँ गुड, छोड़ो क्लच प्रॉपर, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, ब्रेक पे पैर, प्रॉपर ब्रेक पे पैर, यहीं से लेफ्ट, यहीं से स्लो करो, हल्का ब्रेक लो, टर्न करो लेफ्ट, स्टीयरिंग घुमाओ और ब्रेक पे पैर रहना चाहिए, ब्रेक पे ही पैर रहना चाहिए, अभी सीधी करो, क्यों ले गए भाई आप एक्सेलेटर पे, इतनी जल्दी काहे की रहती है आपको, आप एक्सेलेटर को टच मत करो, मैडम को हॉर्न दो, हाँ ब्रेक पे पैर रखो, फुल टाइम आप ब्रेक पे पैर रखो, अभी 2 डेज आपको एक्सेलेटर लेने की कोई नीड ही नहीं है, एक्सेलेटर की हर जगह ज़रूरत नहीं होती भाई, आप गलत आदत डाल लो अपनी, फिर अभी आगे जहाँ बच्चा जा रहा है वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न करना है, पैर ब्रेक पे रखो बट ब्रेक दबाओ मत, ब्रेक को फ्री रखो, ये देखो चल रही ना 20 माइनस चल रही है, तो चला सीखने के लिए इतनी स्पीड कम है ज़्यादा है, सीखने के लिए सही है ना, कम है ना ज़्यादा है, अभी यहाँ से लेफ्ट लेना है तो उसके लिए लेफ्ट का सिग्नल दो, टर्न करो, जाने दो धीरे धीरे, सीधा, हाँ सीधा जाना है, फर्स्ट गियर पे नहीं हो, क्यों कम स्पीड है, फर्स्ट गियर में गाड़ी रोककर सिर्फ बढ़ाई जाती है, चलाने के लिए फर्स्ट गियर नहीं है, सेकंड गियर में भी बिना एक्सेलेटर, मैंने बताया ना बिना एक्सेलेटर सेकंड गियर में भी कार को चलाया जा सकता है, दौड़ा नहीं सकते हो पर गाड़ी रिंगाई जा सकती है, समझ रहे, और अभी आपको रिंगाना ही है क्योंकि आपको छोटी छोटी बारीकियाँ सीखनी है, टिप्स सीखनी, कंट्रोल करना सीखना है, तो एक्सेलेटर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है नहीं है, अभी यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, ये काम करो राइट ले लो, यहाँ से राइट था, जाओ राइट टर्न करो,
हाँ कार्टो राइट, कार्टो स्टीयरिंग, बस टर्निंग से पहले आपने हॉर्न दिया नहीं दिया, टर्निंग से पहले सिग्नल और हॉर्न दोनों चीज़, सिग्नल से पीछे वाला ये कंफर्म हो जाएगा और आगे वाले को अलर्ट कर देना है। अभी हल्का सा एक्सेलेटर करो, हल्का सा, उंगलियों से नहीं डियर, अंगूठे से। हाँ जाने दो, अभी आगे से हमें लेफ्ट जाना है, जहाँ सर्विस सेंटर लिखा है वहाँ से लेफ्ट, खड्डा है सामने आपके। अगर थोड़ा सा रोड पे आप ध्यान दोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। यही वाला ना? हाँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, दो बार नहीं एक ही बार बजाया जाता है लगातार। हाँ अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न करो, हाँ गुड, बढ़ाओ धीरे धीरे, बस अपने पैर को सेट करना है, पैंडल जो है हमेशा टच करके रखना है ताकि पैंडल और पैर के बीच में गैप ना हो, और बहुत प्यार से। अभी देखो सामने सफारी खड़ी है, स्टॉर्म, सामने से एसयूवी आ रही है, तो इनको सबको अलर्ट करना है आप, एक से दो बार मैक्सिमम, नहीं एक से दो बार बस, बहुत ज़्यादा तो ये गाली है। ड्राइविंग लाइन में एक हॉर्न हो गई, पासिंग डिपर हो गया, ये गाली कहा जाता है ऐसा, स्लो, ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले को अगर डिपर दे रहे हो। अभी चलती रहो बस, अभी जहाँ देखो बंदा निकल रहा है वहीं से हमें राइट, जहाँ से बाइक निकली वहाँ से राइट जाना है, तो उसके लिए राइट का सिग्नल दे दो अभी से, हाँ प्रॉपर तरीके से, और ब्रेक पे पैर रख लेना, हल्का ब्रेक दबा लो, हाँ हल्का सा ब्रेक, अभी लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, हॉर्न दीजिए, हाँ गुड, अब लेफ्ट इसलिए दबा के टर्न कराया, देखो गाड़ी गई अपोजिट, कहीं नहीं जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी, आपने ज़रूरत से ज़्यादा काट दिया इसलिए गाड़ी आपकी राइट चली गई। यहाँ बैठे हो, यहाँ से 6.5 फीट आगे बोनट निकला है, 4.5 फीट पीछे गाड़ी, तो ये चीज़ हमको समझनी है कि हमारा पहिया कहाँ जा रहा है। आगे से लेफ्ट जाना है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ से लेफ्ट।